मतलब है आ सड़क बीकानेर जाएगे। अरे नाथ जी आ सड़क ठही पड़ी रहे थाना आपने जानो पड़सी। तू मने डिप्रेशन में लागे। डिप्रेशन में कोनी मैं तो दो कैम फिरू खटे जानो है तने। जानो तो घरे ही है जे छोड़ो ती नहीं जाओगे। चल बैठ तन मैं इन्हें बैठो उतार दूं रास्ते में। आ मन्ना नौजवान बता मामलो की है। सेठ जी नरमो चुके मैं गयो सेठ के नहीं साहब कराने। राम राम। फेर के बताऊं मैं सेठ जी थाने। सेठ जी घर लाते दबा आधा भी साबड़ो कर गए ले गए पीसड़ा हरिद्वार जाशा। ए देखो टुगड़िया तो बापड़ा रोता फिरा करिया गमा है अगे उमाता गोमती है। राम राम सेठ जी। अरे राम राम है क्या बात है बनवारी तू आज। मैं तो थार के नहीं आओ सेठ जी। अच्छा मैं तो दुकान पर आओ दुकान पर मैं चल लूं। सेठ जी वो थाने नरमो रुई सारो थारे जमा करवा दियो दुकान पर। अब बिजाई बिजू करके मैं उड़ू एकदम फ्री। अब मैं ये सोचू थोड़ा सा हरिद्वार जाके रिफ्रेश हो जाऊं नहान कर जाऊं। सच बात सच। तो भाई कितना जमा है थारे कनी मेरा पीसड़ा। देख दारी पीसा ब्याज ब्याज को पीसवा तो व्यवहार की बात है। हैं लेन देन तो हिसाब किताब चलते ही रहे। तेरो नरमो मेरे कने जमा है तेरा जका हिसाब किताब नगद गेड़ है पीसा। हाँ सागे तेरे लून मिर्च और सामान गेड़ है खड़ोर गेड़ी है। हाँ। बस सारा काट बाट गई नहीं मैं रात ही हिसाब बनायो तेरो 58,000 रुपया बनाया तेरा। 58,000। हाँ तो सेठ जी मन थे पीसड़ा दियो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ मनसी है पीसड़ा थोड़ा। देख भाई बीज रही रही को हिसाब पाई पाई को पीसक ब्याज ब्याज को पीसो तो व्यवहार की बात है बनवारी है। जब तेरे जी करे नहीं जब अगले जी 58,000 लेगी तू हरिद्वार जाएगो बोला कमाइया वो आजकल क्या सारा नान को नहीं आवा है जेब काट लीजिएगा को कोई तेरे जितनी जरूरत है ना किराए बाड़ो दे ले जा बाकी तेरे जमा कर दे तू आज लीजिए है तेरा ये तेरे मेरे के बंटेड़े बोला। तो सेठ जी थे काम करो थे ये नहीं बे ऊपर ऊपर वाला मैंने नहीं कर दियो। हाँ आओ इन्हीं बात है एक दो तीन चार पाँच छः सात 16 एक बार और हाथ मार के हैं मैं हाथ मार लियो नहीं। एक ही बात है सेठ जी बाकी रे बैंक कोई रसीद सेठ जी रसीद ले ते अच्छा लाला जी ने बैंक ऑफ इंडिया समझिए बड़ा हरे दरख्त के नीचे खड़े हैं बात होगी जगह की तेरा जीता जमा है बीते ले जी बीज रही रही को हिसाब पाई पाई को पिसक ब्याज ब्याज के पिसक घर की बात बनवारी। चलो पार करा फिर भाई। हां वो कने के होने के पापियों के पाप धोते धोते गाम तेरी गंगा मिली होगी। और देखी एक डुबकी तेरे माई तंग नाम की मारे नहीं मेरे नाम की भी मार ली। हां हां ठीक है सर जी चलो धन्यवाद है। हां ठीक है ठीक। अरे तो बढ़िया बात है नौजवान हरिद्वार घुमाई मारिए और ही में नुकसान वाली क्या बात है तो अच्छी बात है हरिद्वार वाली तो अच्छी बात ही। मैं जब पाछो आके सेठ जी ने दुकान पर हिसाब करान गयो नी। हां आ हा बढ़िया दर्शन हो गया हरिद्वार में नान कर लियो चुको पीस रेड़ो है वो बाकी हिसाब करके ले लिया आप सेठ ने आओ सर जी आओ अगली डेरी पर आओ अगली डेरी पर आओ अगली डेरी पर आओ खुद मंदे के बता लिख दे लिख दे आओ 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 अगले डेरी बड़ी डेरी हेलो ग्वार हेलो ग्वार ए देखो ताजा मोती पर को ग्वार है हैं मोती पर को ग्वार है बोलो सर जी आओ हां 80 81 99 हां 99 1 एक बोलो चौट 4501 दुकान में ये सेठ जी अरे तुम 2 मीटर कट लिया है बोली तो लागने दे पहली मोतीपुर को ग्वार बेचन लाग रहे हैं बोलो सेठा बोलो बोलो थार थार बा बोलो इकान में बोलो इकान में इकान में गए बाण में 4700 4701 4702 4702 3 3 बोलो भाई बोलो बोलो मोतीपुर को ग्वार है 6 6.5 6.5 6.5 बोलो 6.5 6.5 6.5 कर देंगे करो 7 7 7 8 8 8 सेठ जी बोलो नहीं 6.5 कर देंगे मोतीपुर को ग्वार है देख रही है 11 11 ए चल लो बोला 11 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
बिजी हो रहे हो। अरे बल्ली लगा नहीं पड़े बड़ा दिन के दिन की यार, कोई किसान माल लेके दिन बिकवाना पड़े, समझे तो है कोई बात नहीं है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा। हाँ भाई बनवा रही है। हाँ बता ते मेरा नीज को यहाँ डंडो दे लियो। चल चल बोले लगी बोला बारे सेठ है बार बार हूँ है तुम था कौन किशो। चलो हिसाब किताब तो चलता रहो। हाँ बनवारी अब बता तू क्या आयो है। मैं तो सेठ जी भी मेरा 50,000 रुपया सार का जमा कौन किए बेल लेना यो। 50,000 रुपया किशो रे कर तेरा मेरे का नहीं। सेठ जी थारे नरमो रुई जमा करा कर मेरे गुड़ सा को हिसाब कटा के थारू में बात करी रस्ते मिलियो थे क्यों तेरा 58,000 बाकी रहे। हरिद्वार जाओ जो 8,000 तो थे मैंने ऊपर ऊपर दे दिया, 50,000 मेरा बाकी रहेगा वे लेना हूँ मैं। देख भाई मेरी सुन बात मुनवरी, तेरे जी तो नरमा जमा होनी, तेरे जी तो धान जमा हो, माल जमा हो, जी तो बिंग सारे का काट गए तो गुड़ ले गयो, चा ले गयो, खांड ले गयो, खड़गा कट्टा गेड़ है, नगदी गेड़ है, गालिया जनाब सारा काट बाट के बराबर हो गयो हिसाब। हिसाब नक्की आके बात करो सेठ जी से, हिसाब नक्की ये क्या हिसाब नक्की हो गयो। पर्ची है किधर कन 50,000 जमा की। पर्ची की क्या बात करो सेठ जी, थे तो क्यों पर्ची को क्यों करे मेरे पर विश्वास को नहीं के आज से बात तुम मुकरण लाग रहे हो। ये अखबार को पड़े सेठ जी मैं पंचायती बिठा लूंगा, ये पैसा देना पड़ती है क्या मुकरण लाग रहे हो थे। ए मेरे मुंकाल बिठान तो पंचायती आज बिठा ठीक है नहीं, मन को डर कौन लगे, मेरे मुंह थाने जा, मेरे मुंह कोर्ट जा, देख लेश क्यों तेरे देखे मेरे आंदा सी सिवा है के देख लेश। चल गेट आउट। हिसाब बन गयो पूरा असला जी है कोनी आई करी मेरे साग है। ओ तो यार साची तेरे साग दुखो इया किया मुकर सका आदमी यार। वो तो सरेआम ही मुकर गयो, मेरे ने कोई सबूत तो है कोनी, जब वो कह मैं क्या पीसा दियूं। तेरो अगलो काम है के। हां ओ ये लो करे मेरे तो। अच्छा ओ तेरो ही है। हाँ। तू चिंता ना कर। नाम के तेरो। मेरो नाम तो बनवारी है। हां बनवारी बात सुन मेरी, तड़का मैं बुला लूंगा पंचायती, आपा बुला लेंगे सेठ ने बड़ा पंचायती में, मैं क्यों दूध को दूध पानी को पानी कर देंगे तेरे किसी के लगी। मैं को बहुत ही अच्छी बात है थे, उम्मीद तो काम कर दियो तो मैं तो थाने भूलू ही कोई। मैं क्यों मैं धोखो आनी कौन दे यार, तू चिंता ना कर मेरी, इतनी दूर जाना होगे। हाँ बस धन्यवाद। अब बीकानेर को भाई रोड पकड़ लूंगे आगे। हाँ भाई पकड़ लियो आइए। ठीक है नौजवान चिंता ना करी, तड़का मैं क्यों बुला लेंगा सेठ ने पंचायती में। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। सेठ तो आप काम पक्को कर गयो, अब नाथ जी कटा कर सी ना कर सी वक्त ही बतावे। आयो कोनी सेठ जी। अरे नौजवान तन्ने घबराने की जरूरत कोनी, तू सही जगह आ गयो, तेरे सागे न्याय होगो, तन्ने तेरो सामान मिल जाएगा बस। के मिल जाएगा भी उठा कोनी, मोटो सेठ मन आवे तो आवे नहीं तो कोनी आवे। अरे आज जाएगा शांति राख, मेरो बुलाइड है। अरे पर बिन बुला तो लियो, पर आंगो रोड़ो के रूपनाथ है। अरे रोड़ो किया यार चौधरी, इनको कोई भी सेठ सगा कोई लेन देन कोई हिसाब हो कोई। हाँ। वो कह मेरा 50,000 जमा रबू मुकर गयो, मैं क्यों भी मुकरण कौन दे, मैंने बुला लेंगा अपना पंचायती करांगा बात करांगा, मुकर के जाएगो किन्ने। हाँ तो अन तो आपको पक्ष रखे है, वो भी तो आप लो आपको पक्ष रखे गो। हाँ अरे आ जाएगो चिंता ना करे, बात सुन लिया आप। अरे आन दो भी नहीं कर, आज नहीं के ठकिया याद करिए मंत्री जी के पुराना किला माजीर हिसाब कर शांत है। मैं रूपनाथ को मैसेज आयो कि भाई जल्दी आना है, जरूरी आना पंचायत कराश के, पंचायत कराश है मेरे को बुला के हैं, मन लगे कोई इना देसी दैली को आई गयो। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। आओ आओ बैठो। ओ सेठ जी ओके मामलो है पीसांगो। की बात करो मंत्री जी, मैं एक रुपये से क्या मिले हो हैं। हाँ तू बोल भाई, वो यही ही कहने लग रही है, वो कह के सेठ के ने मेरा 50,000 रुपया दरेडार सेठ मुकर गयो पीसाऊं। हाँ? मंत्री जी मैं जानो हरिद्वार नरमे रुई को सारो हिसाब करा के और मेरी बीज जाई करके एकदम टेंशन फ्री हो गए, हरिद्वार जाओ तो अंक ने हिसाब कराने के मिल गया रस्ते में।
मैंने कह ला दुकान जाने की क्या बात है, मेरे तो हिसाब करेड़ो है तेरा ठावन 1000 रुपया बने तो मैं क्यों दियो मेरा दे दियो क्या कोई तो बेटा जेब काट लेगो तेरे ओ जेबो तेरे भाई हो जेबो सारा पैसा हूँ के करेगो तो ऊपरला ले जा। तो हमने 8000 तो दे दिया, 50000 रखा बकाया। अब ये मिनट गया, मैं तो थाना सारी कहानी सुना दी। हाँ। तब थे ही बताओ यार मैं क्या करूँ। मंत्री जी मैंने क्या ठाओ सेठ जी को ईमान डोल जेगो अरे पैसा उनट जाएगा। मंत्री जी मैं थाना बताऊँ की बात है, वो नौजवान कहे कि मैं हरिद्वार गयो जना 50000 रुपया का जमा करा गयो सेठ मुकर गयो। सेठ मेरी बात सुन, तेरो बीज राई राई गोरी हिसाब पाई पाई गो मैं समझ गयो बात ने, बन कोई गरीब मार नहीं करनी चाहिए। देख ईमानदारी हिसाब कर दे काल ने, फिर तेरो हिसाब भी परमात्मा करेगो। पैसा अच्छा पैसा तुम ऊपर पड़ा है भैया, कमाना पड़ा है, बुद्धो रहा है कितो रिस्क है, यहाँ तेरे दही जोड़ी चक्की मांगे काम कौन चाले मारो है, मन तो सो के करना पड़ा है। अरे आपका पैसा है क्यों खावा महंगे पैसा है, की बात कर रहे हो चौधरी। आता है मैंने पर्सनल कह दिया, तू मैंने इज्जी लेन लाग रहा है, अरे मैं नहीं कील दे करूं। सेठ जी साची बता भी अन पैसा जमा कराया कौन कराया? सेठ जी अरे इंगा कोई हिसाब किताब में पैसा बचेड़ा है तो सेठ जी दे दो इंगा, गरीब आदमी है, 6 महीना की कमाई हो जमींदार की बेचारे की, क्यों इंगी बदनामी ले गरीब आदमी आए लाग जाए कर जी पैसा में क्या खातर लिया है, मेरे को क्या कमी है पैसा की, देखो ऊपर भी कमी है, नहीं नहीं थूल गागा लगा के रोज गिनो, एक तो डॉक्टर के पानी कमी है, तर याद कौन के थन सुनाओ मैं चंदो दियो है कितो व्यवहार को अच्छा हूं मैं है। हां भाई एक बात तो है, देखो रूपनाथ आदमी तो व्यवहारिक है, हो व्यवहारिक तो है पर चौधरी फैसलो तेको करनो ही पड़ेगो। अरे बात ठीक है पर तेरे कने कोई सबूत है केंगो? कोई सबूत है के तन्ने कोई पीसा लेन देन करते देखोगे कनी? ना जी सबूत बिन टाइम कन्ने कोई होई कौन जद मारे पीसा की लेन देन की बात हुई। यार रूपनाथ अजीब ही पंचायत है, वो कह मैं लेना है, ओ कह मैं देना कोनी, सबूत ही कने है कोनी, सेठा ने साहूकार कवा हमेशा सेठा को व्यवहार हो है। बात इंगी भी सच्ची है, भी जमींदार किसान है, गरीब आदमी की 6 महीना की कमाई है, हैं इतना ही इंगा नरमो हो हैं, 8000 रुपया मैं ले गयो, 50000 रिंगा डूबे तो माड़ा, जे सेठ के डंड लगे तो माड़ा, पर यो दूध को दूध पानी को पानी करा तो करा की हां। साची बात है, सबूत मतलब एविडेंस, यार कोई एविडेंस तो होनी चाहिए, कणी तो आलते आंते जानते कणी देखियो है, कणी कुत्ता बिल्ले देखियो है, कणी चिड़ी कागले देखियो है, कणी पेड़ पौधा देखियो है, कोई तो गवाह होनी चाहिए यार। ना जी जठे मारी बात हुई नहीं पीसेगी, मैं जावा तो आगी दुकान पर सेठ जी गए, प्रेम मैंने राम में मिल गया। देख भी रूपनाथ है, देख भी मंत्री जी, वो नहीं जो झूठ बोले, अरे इन नहीं जो ठाको नहीं, मैं कितो गुंडो आदमी, मैं नहीं जो डिसून करते देर कौन लगाऊं नहीं, हाँ हैं हाँ ना जी आ मेरे सागे पीसा की बात आ रही है, दरखत नहीं चग रही। चल तेरी मान ली, नौजवान का वो आदमी है नहीं, वो फ्रॉड है, वो लग गए मन भी ऐसा करूं, पर कोई बात नहीं, तय सबूत बताए हुए घर है दरखत के नीचे, मतलब थारी लेन देन की पीस अटक की बात हुई, तू एक काम कर नौजवान भी अरे दरखत ना ले गए आठ है। के बात करो नाजिर, के बात करो थे मंत्री जी, मैं मेरी असलियत और सच्चाई सामने लेने खातर भी पेड़ नहीं लिए छोड़े सबूत के तौर पर, थे मेरा इंतजार करो मैं भी आऊं। हाँ लिया यार रूपनाथ तेरा वर्गा ही केस आवे, कदे पेड़ भी चाल के आए करे के बाजू हम फरड़ो करके जी बात में वर्गे लिया होगो। चौधरी ये बात मनिया थोड़ा थोड़ा लग गया, बंदो तो ईमानदार है, जना वो गयो है के नया काम हुए वो ही मैं कर दूं या समझ। अरे नहीं मैं मानू ईमानदार होनो, पर ओ जी की काम गयो वो उसके के कदे हां वो देखो यार। अरे भाड़ा साले यार, तू ही मेरी एक ईमानदारी को सबूत है, तू ही सागर नाजासी, तो वो सेठ मने पीसा कौन दिया। अरे यार रूपनाथ कितनी देर होगी, वो आयो तो कौन ही आ रहे। अरे आ जाओ चौधरी यार, अरे वो दरखत ले आना, मैं टाइम तो लग गई है यार, माड़ मोटो पेड़ ले आन उठी, अरे वो दरखत ले आन जाऊं है, जके पेड़ के नीचे मारे पीसा लेन देन की बात हुई नहीं भी, अरे दरखत नीचे वो पिंपल को पेड़ है, इड्डो मोटो इड्डो छोड़ो, ये मुर्दा आदमी चल रहा है कि वो पिंपल को पेड़ है। चौधरी चोर पकड़ी जियो, तन्ने कैठा के वो पिंपल को पेड़ हो,
अरे बन तो दरखत ही कहो, बन तो पीपल को नाम ही कौन लियो, तो तने के बेरो वो पीपल को पेड़ो। जब भी फसे हुआ चौधरी हो, मैं क्यों नहीं चोर हुई है? मान जा पुलिस वाला पटा मार मार के नहीं तेरा सूजन कर देगा सारे शरीर में, तू जाने को नहीं लड़ी। आई एम रियली सॉरी, आई एम पकड़ा गया। तू गरीब आदमी का पीसा का शर्म को नहीं आता? नहीं, मेरी गलती होगी, मैं लालच में आ गया। चल खड़े हो, अरे भाग जाओ, रू निकल जा बैठू, अरे पीसा दे दे भिंगा। यार कमाल ही कर दी थे तो। मैं देखो फैसलो करांगा कि आई कर, कोई सबूत ही को नहीं। नहीं नहीं चौधरी, गुरु गोरखनाथ पर भरोसा रखो, वो सारा का काम करे। कह करे नहीं कहे, चोर चोरी तो करे, कोई ना कोई गलती छोड़ जाए। हाँ, सही है। तेरा वर्गा सलाहकार हो है तो उजड़ जावा मैं तो। अच्छा के करा तेरो। अच्छा चौधरी, मैं यहां कहो एक प्याली चाय पिया दे यार। चौधरी ने के सागे मन वोट सपोर्ट दे, मैं एक साइड चेक करनी है।